शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरे यूरोप में आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। आज तक भारत में भी 100 से अधिक कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक कोरोना से निपटने के लिए कोई कारगर मेडिसिन नहीं बन पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बाजारगंज से जो तस्वीर सामने आई है उसमें बाकायदा एक बड़ा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। दरअसल ये कैंप एक होम्योपैथिक और एक अन्य संस्था द्वारा लगाया गया है। कैंप पर लगाए गए बैनर पर साफ तौर से कोरोना वायरस की दवाई के बारे में लिखा है। कैंप लगाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर का सीधे तौर पर कहना है किसी भी वायरस से निपटने के लिए केवल होम्योपैथिक में ही है और यहां पर लगाए गए कैंप में ये दवाइयां बांटी जा रही हैं। शहर के बीच लगे कैंप के संबंध में जब मुरादाबाद के CMO से बात की गई तो उनका कहना है कि विभाग की तरफ से कोई कैंप नहीं लगा है, वो जांच करा रहे हैं। ये जो कैंप लगाया गया है किस मकसद से कैंप लगा, क्या मैसेज है? देश विदेश में, शहरों में, कस्बों में कोरोना का वायरस का भय बहुत ज़्यादा फैल गया है। उसके उचित प्रबंध के लिए, उसके समायोजन के लिए, उसको ख़त्म करने के आसार मौसम के हिसाब से, इसलिए हमने निःशुल्क आज कोरोना वायरस की दवा का श्री परिवार दिमाग समिति के अंतर्गत रखा गया है। और नागरिकों को अपील की गई है स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ बनाएं और निःशुल्क दवा प्राप्त कर लाभ उठाएँ। अभी तो पता करने मिलेगा, हम लोगों ने यूज किया, हम लोगों ने कारगर किया तो काफ़ी कारगर है। अभी तक उन लोगों को कोई वायरस नहीं हुआ है। नहीं, पीली तो ज़्यादातर पीली ही आ रहे हैं, वैसे ले सभी जाना अपने घर परिवार के लिए, गांव में है कोई कहीं है, सब खाएगा तो पीली दवाई दवा वही खाएगा जिसको कोई बीमारी होगी, इससे पूर्णतः वायरस खत्म होगा। हाँ, इस दवाई से बचा जा सकता है, इसी उद्देश्य से दवाई जा रही है कि इससे बचा जा सकता है।